फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज टोमेटो सूप। रेसिपी का नाम सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग है, वैसे रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को सीखने के लिए और देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा वीडियो। तो ये चले करते हैं। सूप के लिए मैंने यहाँ पे सादा टोमेटोज बॉइल करके लिए, साथ में गार्लिक लिया है और 3-4 हरी मिर्च भी मैंने बॉइल करके रखी है। तड़के के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जीरा लिया है, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर एंड बारीक कटा हुआ गार्लिक लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में लिया हम लोगों ने सोया सॉस, विनेगर एंड थोड़ी सी शेजवान चटनी, ग्रीन ओनियन। मैंने यहाँ पे थोड़े से नूडल्स फ्राइड करके रखे हैं टॉपिंग के लिए। यहाँ पे मैंने लिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छी थिकनेस आती है सूप में। तो आइए चले करते हैं स्टार्ट। अब हम इन बॉयल इंग्रेडिएंट्स की कर लेते हैं प्यूरी विदाउट वाटर। हमारी प्यूरी रेडी हो गई है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने यहाँ पर पॉट 2 मिनट के लिए गर्म करके रखा है। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम लोग जीरा डालते हैं। जीरा को हमें ज़्यादा फ्लटर नहीं करना है, उसे हल्का सा ही फ्लटर करना है, क्योंकि रॉ जीरा का स्मेल और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है सूप में। जीरा हमारा हल्का हल्का फ्लटर होने लगा है। अब इसमें डालते हैं ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर और गार्लिक को हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हम इसे स्लो फ्लेम पे ही फ्राई होने देंगे, हमें गैस को स्लो ही रखना है क्योंकि ये जलना चाहे। इसका रॉ स्मेल भी चला गया और इसका कलर भी आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा कोरिएंडर और कोरिएंडर को भी 1 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। कोरिएंडर ऑयल में डालने से, फ्राई करने से उसका बहुत ही अच्छा स्मेल एंड फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी टोमेटो प्यूरी, इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी। आप सूप की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप पानी डालें। मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए सूप बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पानी डालूँगी। मैंने यहाँ पे टोमेटो बॉइल किए थे वही पानी मैंने रखा है, वही पानी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। एंड पॉट में हमारी थोड़ी सी प्यूरी बची है, उसे भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हम लोग सोया सॉस भी यूज़ कर रहे हैं, विनेगर भी यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको कवर कर लेते हैं और गैस को हाई फ्लेम पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। हम लोग इसे 5 मिनट पर बॉयल होने दिया है, आप देख सकते हैं कितना बहुत ही अच्छा कलर आया। अब इसमें डालेंगे विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए आप वैसे ऐड करें। अब डालेंगे थोड़ी सी शेजवान सॉस, इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सोया सॉस डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा है, एकदम ब्राउन कलर चेंज हो गया, जैसे होटल में चाइनीज सूप मिलता है। हम इसे 2 मिनट के लिए बॉइल होने देंगे। अब हम इसमें रखते हैं कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब कॉर्नफ्लोर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि इसकी थिकनेस एकदम से बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डालेंगे, हम लोग थोड़ा सा ही डालेंगे पिंच। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे ब्राउन कलर में ही सूप रहने दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने टोमेटोज यूज़ किए तो टोमेटोज का रेड कलर तो दिखना ही चाहिए, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा कलर ऐड किया है। हम लोग इसे 2 मिनट के लिए बॉइल कर देंगे। सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। सोया सॉस, विनेगर, गार्लिक, जिंजर की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, ऐसे लग रहा है कैसे हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया होटल से। इसकी थिकनेस भी एकदम परफेक्ट हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ एंड सिल्की लग रहा है हमारा टेक्स्चर, जैसे होटल में मिलता है। मार्केट में जो टोमेटो सूप वॉश मिलता है उसमें भी कॉन्स्टा मिलता है, उसकी वजह से सूप हमारा गाढ़ा बनता है। आप देख सकते हैं हमारा सूप भी बहुत परफेक्ट गाढ़ा बन चुका है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है। अब हम लोग गैस बंद कर देते हैं। इसमें हम लोग डालते हैं बचा हुआ कोरिएंडर, थोड़ा सा ग्रीन ओनियन, करते हैं अच्छे से मिक्स और करते हैं इसकी प्लेटिंग। मैंने यहाँ पे सर्विंग बाउल लिया है, उसमें मैंने सूप निकाल लिया है। आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक का कैसा टेक्सचर दिख रहा है, गार्लिक के थ्रेड्स दिख रहे हैं, और स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है सूप कैसे हम लोगों ने होटल से ऑर्डर किया है। तो आइए चलिए करते हैं हम लोग इसकी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइड नूडल्स लिए थे,
लिए है। नूडल्स मैंने घर में ही फ्राई किए, आप चाहे तो क्रूटॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है नूडल्स की वजह से। थोड़े से ग्रीन ऑनियंस हम लोग ऊपर से डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा कलर निकल रहा है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। सूप हमारे यहाँ पे रेडी है एंजॉय करने के लिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर में बना के देखिए, ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए। धन्यवाद।